जब से ये टूटा, जब से समझ लो बारिश में सोना पड़ रहा, बाहर भी सोता हूँ और जब से सोता रहता हूँ पता नहीं कितना ऐसा लगता है जैसे रोड वाला कहीं गाड़ी नहीं चढ़ा दे ऊपर। अब यही रोड पे रहते हैं, इधर ही सो जाते हैं सर, क्या करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है सोने के लिए, ना ही बताया गया कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे। अब फुटपाटी है क्या है, जो काम धंधा मिला चले गए, नहीं मिला तो भूखे प्यासे पड़े रहे, अपना पानी है पता नहीं साफ आ रहा कैसे आ रहा, वो पानी पीने को मिल रहा है। गरीबों के लिए देखो कहाँ कहाँ सो रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं ये रोड पे क्यों रह रहे हैं, रोड पे इसलिए रह रहे हैं कि इनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे, बताओ रोड पे रहेंगे। तोड़ दिया मान के चलो, जमुना किनारे था मान के चलो, तोड़ दिया कहीं दूसरी जगह दे दें बनाने के लिए रहने के लिए, नहीं तो आदमी इधर उधर तो रोड पे सोएगा ही सोएगा, कल का कोई रोड पार करेगा उधर मरेगा इधर मरेगा, ये होगा वो होगा। अधिकारी को खुद सोचना चाहिए कि आधी रात में ऐसे कौन किसी को बेघर करता है। राजधानी दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने वाले बेघर लोग पिछले कई दिनों से पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट इलाके में, आपको तस्वीरें पहले पीछे की तरफ से दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है, जहाँ पर तमाम जितने भी नाइट शेल्टर्स थे उनको रातों रात हटा दिया गया। यहाँ रहने वाले तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो मजदूर थे, बेरोज़गार थे और अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए चांदनी चौक कई बड़े बाज़ारों के अंदर मेहनत मजदूरी करते थे, वो बेघर हो चुके हैं। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर सोने को मजबूर हैं और अब सरकार से और प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था जो है वो की जाए, क्योंकि वो खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर हैं। तमाम यहाँ पर मजदूर हैं। कहाँ काम करते थे, नाम बताइए पहले आपका। मेरा नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कहाँ काम करते हैं? मैं काम करता हूँ बेंदारी का भी कलर DW पे करता हूँ और अपना ये पार्टी फार्टी का होता काम वो भी करता हूँ, 700-800 मिलते हैं उसी में काम चलाता हूँ। अपना आता हूँ काम करके सीधा सेंटर में सो जाता था, बारिश आती थी इसलिए बाहर नहीं सोता था, रोड पे ऐसी एंट्री भी हो जाकर गाड़ी भी छिड़ जाए ऊपर, इसलिए अंदर सेफ्टी में सोता था। जब से टूटा, जब से समझ लो बारिश में सोना पड़ रहा, बाहर भी सोता हूँ और जब से सोता रहता हूँ पता नहीं कितना ऐसा लगता है जैसे रोड वाला कहीं गाड़ी नहीं चढ़ा दे ऊपर, इसलिए अंदर सेफ्टी थी हमारी, अब सेफ्टी भी खत्म होगी, बताओ क्या करें, सब कुछ तोड़ दिया। भाजी कब से सो रहे थे नाइट शिफ्ट? मैं 8 साल हो गया, कम से कम छोटा सा आया था यहाँ पे, बहुत बचपन गुजर गया मेरा यहाँ पे, जब से आज तक मैंने कोई गंदगी नहीं देखी यहाँ पर, ये जो गंदगी हुई है बहुत बुरी गंदगी हुई है जो तोड़ दिया है। गरीबों के लिए देखो कहाँ कहाँ सो रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं ये रोड पे क्यों रह रहे हैं, रोड पे इसलिए रह रहे हैं कि इनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे, बताओ रोड पे रहेंगे। अब इसलिए सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, हम भी अपना टाइम पास काटते रहते हैं, अपना काम धंधा मिल जाए चले जाते हैं, नहीं मिलता अपना यहीं पर भूख भाग प्यास बुझा लेते हैं, आ जाते हैं गरीबों के लिए बांटने के लिए। बहुत लोग सेंटर में खाना मिलता था वो भी बंद हो गया, पानी पानी मिलता वो भी आता गाड़ी से उससे पी लेते सब लोग। अच्छा, खाना पीना नहीं मिलना? खाना पीना नहीं मिलता, अब खाना पीना नहीं मिलता, खाना बाहर से आता है। बाहर से आता है? आप कहाँ पे, यहीं पे रहते थे? हम यहीं रहते 5-6 साल से सर। अच्छा, शादी पार्टियाँ काम करते हैं, सेंटर में रहते थे सर। कब हटाया? ये कल रात में हटाया गया है सर ये। अच्छा, हाँ जी, बहुत परेशान है, रोड पे सोना पड़ता है। किसने हटाया? अब ये तो हमें नहीं पता, रात में तोड़ा है सर JCB से। अच्छा, तो सबको निकाल दिया बाहर जब तोड़ा है। अभी कैसे रहते हैं? अब यही रोड पे रहते हैं, इधर ही सो जाते हैं सर, क्या करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है सोने के लिए, ना ही बताया गया कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे। डर लगता है सड़क पर? लगता ही है, गाड़ी वाड़ी चढ़ जाए एक्सीडेंट हो सकता है, परेशान है इधर ही सोते हैं इसीलिए, क्या करेंगे, बहुत डर है, यहाँ खतरा है। हाँ जी, चलिए। हमारे साथ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के चेयरमैन भी है सुनील, जो यहाँ पर पूरी देखरेख करते हैं। सुनील, लगभग कितने यहाँ पर लोग जो हैं वो सोते हैं और कितना व्यवस्था है? अब तो फिलहाल सब कुछ हट गया है। देखिए, जवार श्रमिक स्थल पे करीब टोटल 16 शेल्टर होम थे, इसमें इन्होंने आधी रात में आनन फानन में 8 शेल्टर को, जो लोग बाग सो रहे थे उनको बाहर निकाला, पुलिस बल के थ्रू बाहर निकाल कर उनको एकदम से पूरा बुलडोजर के साथ रातों रात शेल्टर तोड़ दिए गए। शेल्टर में करीब 1100 लोग बाग रह रहे थे उस समय, और इस स्ट्रेच पे करीब 5000 लोग बाग हैं। 15 दिसंबर 2022 को DSUP ने बोला कि जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनको शेल्टर में शिफ्ट करेंगे, और ये G20 के चलते ये किया जा रहा था। लेकिन 15 दिसंबर का जो ऑर्डर देखें और 10 मार्च की रात को जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की, 256 शेल्टर कोड नंबर और 257 जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना था और उसकी अभी सुनवाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, जो कि पुनर्वास अधिकारी PK झा थे, जो कि रात में आते हैं लोगों को बाहर निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल के और अमानवीय तरीके से शेल्टर तोड़ देते हैं। ये एक रिसोर्स सेंटर था लोगों का छत थी,
सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए का जो 16-17 करोड़ रुपए का ये जो कबाड़ बनाया है इन्होंने, उसकी भरपाई किससे होगी ये कोई जानने वाला भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने से G20 के नाम पे पूरा दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ चल रहा है। अगर हम यहाँ राजघाट के पास, किसान घाट के पास भी देखें कि जो किसान थे, मजदूर थे, उनके भी घरों को, झुग्गियों को तोड़ दिया है और सबके पास प्रूफ थे। ये लोग जो शेल्टर होम में रह रहे थे वो कहीं ना कहीं शहर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे शहर में, कौन लोग हैं, मतलब ये क्या क्या काम करते हैं ये बताइए। देखिए शेल्टर होम में रहने वाले लोग जो कि शादी पार्टी में वेटर का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, धक्का लगाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, और जो माल लोडिंग अनलोडिंग होता है पूरा दिल्ली शहर के अंदर, हमारे घरों में जो सुबह सामान पहुंचता है, ये वही लोग हैं जो इनविजिबल लोग हैं, जो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। तो ये लोग रह रहे थे, इनके लिए एक अच्छी सुविधा हुई थी पिछले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से शेल्टर होम बन रहे थे। और इवन जो स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस में, ये बोला है कि जहाँ कंसंट्रेशन एरिया है आप वहाँ पे उन लोगों को बसाइए, उन लोगों के लिए शेल्टर बनाइए। लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास शेल्टर होम बहुत सारे हैं, हम उनको उस जगह लेकर जाएंगे। इनको बवाना लेके जा रहे हैं, कहीं द्वारका लेके जा रहे हैं, रोहिणी लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लेके जाने के बाद भी जो बुनियादी व्यवस्था है वो नहीं है। और कोई व्यक्ति जो यहाँ पे पास में काम कर रहा है उसको अगर आप दूर ले जाएंगे तो वो काम कैसे करेगा। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो ये कश्मीरी गेट के जस्ट पीछे ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, चांदनी चौक है, सदर बाजार है, और तमाम इन बड़ी बड़ी मार्केटों में माल लोडिंग अनलोडिंग का काम, रिक्शा चलाने का काम, ठेली चलाने का काम ये तमाम मजदूर जो है वो करते हैं। लेकिन अब ये मजदूर बेघर हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पेड़ की छा के नीचे इस तरह से बैठकर के जो है वो अपना दिन जो है वो बिताते हैं। अगर दिहाड़ी मिल जाए तो काम कर लेते हैं, नहीं तो इसी तरीके से अपनी जीवन जो है वो जीने को मजबूर हुए हैं। ये बताइए कहाँ काम करते हैं आप लोग? तो शादी पार्टी में। शादी पार्टी में काम वाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी, तो नहीं मिल रहा। अच्छा, हल्का चल रहा है। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ हट गया है? कुछ नहीं हो रहा सर। कहाँ से खाना पीना कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस वहीं से भी नहीं सर, कर रहे अपना बस। सरकार वहाँ से कोई आया कि नहीं आया ये बताइए सर? कोई आया सर, अभी तक तो आया नहीं है कोई। प्रशासन से कोई आया जब थोड़ा फोड़ा उसके बाद कोई आपके खाने पीने? कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया। कैसे चल रहा है जीवन? चल रहा है ऐसा, चलता है ऐसा, मजदूरी करते हैं, धक्का लगाते हैं रिक्शों में, अपना कर रहे हैं गुजारा। कोई व्यवस्था हो पाई सोने वोने की या रहने की? सोने क्या सर, ऐसी पटरी पर सो जाते हैं, यही सुविधा है हमारी तो, और कोई सुविधा नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी परेशानी है सर। अच्छा, हर चीज़ की, पानी की, अनाने की, धोने की, पीने की, खाना खाने की, हगने की, मूतने की, हर चीज़ की परेशानी। आपको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। यहाँ क्या करते हैं? बस यही है, काम धंधा मिलकर कर लिया, नहीं मिलते पड़े फुटपाथ पे कहाँ जाएंगे बताओ। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तो, मेरे को 2 साल हो गए थे। 2 साल हो गए। नाइट शेल्टर में रहते थे जी? दे अब बस फुटपाथ ही है, क्या है, जो काम धंधा मिला चले गए, नहीं मिला तो भूखे प्यासे पड़े रहे अपना। पानी है पता नहीं साफ आ रहा कैसे आ रहा है, वो पानी पीने को मिल रहा है, वो आता है 12 बजे आता है, 10 मिनट खड़ा पे चला जाएगा अपने आप लेके। अच्छा, अब बताओ किसी के पास बोतल है, किसी के पास नहीं तो क्या कैसे भर सकता है? वही है पानी पीने का, जो बोतल काट लिया उसमें पी लिया अपना, जो खाना पीने को। टैंकर आ रहा है जल बोर्ड का? जी आ रहा, तो चला जाएगा 10-15 मिनट में। और इसके बाद क्या होता है, जो मतलब खाने पीने को मिल गया तो खा लिया, नहीं फिर जैसे तैसे वैसे रहेगी तो रहेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। खाने पीने का मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? यहाँ पे खाना पीने का सेंटर रहता तो सेंटर में रोटी वोटी भी आ जाता था, सेंटर में खा लेते थे हम लोग, तो इधर सेंटर में रहते थे, खाना पीना आता है। अब तो ये तो आते रहता है, कोई आता है कोई खिला चले जाता है। पानी का क्या, वहाँ पे नल लगा था वो नल भी तोड़ दिए, पानी पीने का था, आदमी नहाता था, पानी धोता पीता था। अब आदमी को मजबूरन में जमुना किनारे जाना पड़ता है लेटरिन बाथरूम करने के लिए, क्या करेगा। खाना पीना बिना कुछ नहीं आ रहा? खाना पीना कुछ नहीं आ रहा। खाना पीना क्या, हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर पे चले जाते हैं, खा लेते हैं तो खा लेते हैं, मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो यहाँ तो खाना सेंटर रहता था, तो सेंटर देख के आदमी खाना आते थे, पीछे बैठे रहता, लाइट बीट रहता था,
सब चीज रहता था, खाना भी आ जाता, 10 आदमी देखते, अब तो सेंटर टूट गया, देखते हैं खाना भी कोई नहीं लेकर। क्या सोच रहे हैं वापस जाने का? सोच रहे अब वापस जाने का नहीं, हमको ये जगह दिए, ये तोड़े यहाँ पे, यहाँ पे यही जगह वो करके कहीं पार्किंग में जगह दे दें सेंटर बनाने के लिए, तोड़ दिया मान के चलो, जमुना किनारे था मान के चलो, तोड़ दिया कहीं दूसरी जगह दे दें बनाने के लिए, रहने के लिए, नहीं तो आदमी इधर उधर तो रोड पे सोएगा ही सोएगा, कल का कोई रोड पार करेगा उधर मरेगा इधर मरेगा, ये होगा वो होगा क्या। अब सेंटर में एक जगह पे रहते थे, ठंडी में भी बहुत थे, आदमी कम्बल मिलता था, खाने का मिलता था, बेड मिलता था, पानी आता था, सब चीज़ करता था, अब तो कोई नहीं होगा। इनका दर्द की किस तरीके से इनको परेशानियां जो है वो अब एक बार फिर से झेलनी पड़ रही है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना, बड़ी मुसीबत के बाद, जद्दोजहद के बाद नाइट शेल्टर जो है वो बसाए गए थे ताकि यहाँ लोग सड़कों पर ना सोए, अपनी रात जो है वो खुले आसमान के नीचे ना बसाएं। सर्दियों में अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने से लोग ठंड के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, उसी के देखते हुए लगातार यहाँ पर नाइट शेल्टर व्यवस्था की गई। अब लेकिन जिस तरीके से अब नाइट शेल्टर हटाए गए हैं, ये लोग एक बार फिर से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। सुनील, एक सवाल आखिरी में ये और करना चाहूँगा कि क्या अभी फिलहाल कोर्ट या सरकार की तरफ से इन लोगों के रहने की व्यवस्था हो पाई है या नहीं हो पाई है, या इसी तरीके से? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी दिल्ली के रैन बसेरे हैं, अगर आपको उसको तोड़ना है, डेमोलिशन करना है, तो पहले आपको कोर्ट के पास आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं कि अब, लेकिन अधिकारी उस चीज़ को मानते भी नहीं है। अधिकारी को खुद सोचना चाहिए कि आधी रात में ऐसे कौन किसी को बेघर करता है, जबकि मैंडेट उनका यही है कि जो लोग सड़कों पर हैं उनको शेल्टर में लेके जाएं। चलिए, एक बड़ा सवाल कि आखिर कैसे कोई शख्स इतना मानवीय हो सकता है कि रातों रात किसी को बेघर कर दे और उनके सोने के लिए व्यवस्था भी ना हो सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।